सिद्धार्थनगर में प्राथमिक विद्यालय में स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का अनोखा वीडियो हुआ वायरल। बच्चों को नाचते गाते पढ़ाने का वीडियो वायरल। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिव सागर का बच्चों को रचनात्मक तरीके से पढ़ाते हुए वीडियो हुआ वायरल। सिद्धार्थनगर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी गांव-गांव जाकर लहराएंगे तिरंगा झंडा। सपा के कद्दावर नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इटावा विधानसभा से सपा विधायक माता प्रसाद पांडे ने कार्यकर्ताओं में झंडा किए वितरित। बलरामपुर मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम के द्वारा नागरिकों को किया गया जागरूक। मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों में गठित पुलिस एंटी रोमियो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थल बाजार चौराहों आदि पर भ्रमण कर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया गया। मेरठ के खरखोदा ब्लॉक के ग्राम नगला कबूलपुर में नाले को लेकर चल रहे दलित समाज से गांव की अन्य सामाजिक जातियों के विवाद को अंतिम रूप दिया गया। प्रखंड विकास अधिकारी और पंचायत सेक्रेटरी सुनील भी मौके पर मुआयने के लिए पहुंचे। उन्होंने सही दर्शाते हुए कार्य जारी रखने का दिया आदेश। आगरा में फर्जी मुकदमे को लेकर पीड़ित ने लगाई एसएसपी आगरा से मदद की गुहार। आवास विकास कॉलोनी निवासी आकाश पाठक जो कि पीड़ित है बताया कि मेरे व मेरे परिवार के ऊपर अतुल कुमार जो कि कथावाचक है उसने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा को विवेचना अधिकारी बदलने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड उसका बाजार के ग्राम पंचायत लक्षनपुर गांव में बन रहे अमृत सरोवर का ग्राम विकास राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश विजय लक्ष्मी ने निरीक्षण किया और अमृत सरोवर देख काफी उत्साहित हुए और अधिकारियों को बधाई दी। राजस्थान के बारा छिपापडोद में कैंत वाले बालाजी के यहां अखंड रामायण पाठ शुरू। 10 लाख रुपए से अधिक राशि से होगा बालाजी मंदिर का विकास। विकास धार्मिक आस्था और विश्वास का प्रतीक स्वरूप कैंत वाले बालाजी महाराज का मंदिर जिसके प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आदर्श विद्या मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर कैलखेड़ी छिपापटोत की उत्सव एवं जयंती प्रमुख अंतिम गोठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से कार्यक्रम का शुभारंभ विभाग प्रचारण हेमेंद्र जी द्वारा माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं गोस्वामी तुलसीदास के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर किया गया। बुलंदशहर में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करती डग्गा मार बस का वीडियो वायरल। जान जोखिम में डालकर बस पर लटकते नजर आ रहे दर्जनों युवा। नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से फर्राटा भर रही डग्गा मार बस। बलरामपुर जिला सभागार में जिलाधिकारी द्वारा कराया गया पीस कमेटी का आयोजन। जिलाधिकारी बलरामपुर व पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में कक्ष बलरामपुर आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों मौलवी धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।